नमस्कार, मैं अरुण कुमार शाही डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। अभी क्या घटना घटी है? हमला है श्री राजीव कुमार सिंह, होमगार्ड में पदस्थापित थे। अच्छा, मुजफ्फरपुर में इनका पदस्थापित था। इनको कौन थाना में? सदर थाना में। अच्छा, सदर थाना से इनको भेजा गया। वो रोगी है, था एक्सीडेंटल, उसको लेके वहाँ पीएमसीएच में ही अपना वहाँ थे ड्यूटी में। अब रात में इनको साथ क्या हुआ, सिर्फ पैखाना में ही गए, वहीं गिर गए। गिरने के बाद इनको सही से वहाँ इलाज नहीं हुआ, जबकि हमारे भतीजा गए थे वहाँ, देखा इलाज से नहीं सही से हो रहा है। तो सवेर में लगभग 4 बजे भोर में वो गड़ी करके प्राइवेट में ला रहा था, बस इसी बीच में इसका बीच में पीएमसीएच में किसको लेके गए थे? कैदी है जिसको गोली लगा हुआ है, वो भगोड़ा था। वो कहाँ के रहने वाले हैं? प्याबू पटेरा सराय थाना जिला वैशाली। आपका क्या परिचय हुआ? मृतक का हम चचेरा भाई हुए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार सिंह। अच्छा, कुछ दिनों पहले इलेक्शन ड्यूटी से आए थे, इसी दरमियान उनका कुछ स्वास्थ्य खराब था। अच्छा, और वो ठीक नहीं है, घर पे आए मिले लेकिन तबियत ठीक नहीं है, जाने के मूड में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको कमान दिया गया पीएमसीएच में किसी कैदी के सुरक्षा के लिए। अच्छा, कैदी के इलाज की सुरक्षा के लिए दिया गया था, और वहीं पे कल रात्रि से उनका कुछ तबियत खराब हो गया, पीएमसीएच में समुचित इलाज नहीं हुआ और बाहरी फर्श पे छोड़ दिया गया, जिससे बाद में लोगों द्वारा खबर गया, उठा के लाया गया प्राइवेट में, लेकिन लाने वक्त ही उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।